गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास गए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर निभाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार यानी विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता,
और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी नहीं गाए जा सकते। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतिकी यानी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित ना कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी यानी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित यानी अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए, जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसे बावली हो गई थी कि अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती, उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीलाएं की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूंगा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।